नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने किया दीपदान। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा में अखंड पाठ का हुआ शुभारंभ, लंगर में शामिल होकर लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। सोए अवस्था में अपराधियों ने दंपत्ति पर किया हमला, इलाज के दौरान पत्नी की हुई मौत, पति की हालत गंभीर। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने स्वास्थ्य केंद्र की रखी नींव, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। और राजस्तरीय डांस भागलपुर डांस के मेगा ऑडिशन में उमड़ी प्रतिभागियों की भीड़, बच्चों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का दिल। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और दीपदान के साथ फल एवं कई वस्तुओं का दान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के साथ दान पुण्य का विशेष महत्व है और इसी को लेकर गंगा घाटों पर भागलपुर समेत बिहार झारखंड के कई जिलों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दीपदान किया। इस दौरान हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवतियों के साथ छोटे बच्चे भी गंगा में डुबकी लगाते दिखे। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटों पर एसडीआरएफ की टीम गोताखोर के साथ नदी में गश्ती कर रही थी। टीम का नेतृत्व एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कपिल देव ने किया। इस दौरान गंगा में स्नान कर रहे लोगों को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की अपील माइकिंग कर रहे थे। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। आध्यात्मिक चिंतन, इसमें पुण्य मतलब अगले जन्म के लिए लाइसेंस चाहिए। जो इस युग में जो हम कर्म करेंगे वही हमको मिलेगा, इसलिए लोग स्नान करने के लिए आते हैं। न तीर्थ भी हो गया, पितर को भी पानी दे दिया और अपना एक शांति के लिए। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नौगछिया के खगरा गांव स्थित अलकापुरी टोला में स्थापित कार्तिक मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आसपास के इलाकों से लोग मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर प्रांगण में भव्य मेला का भी आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि खगरा के कार्तिकेय मंदिर का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरुवाणी पाठ के साथ भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में सबसे पहले 48 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सिख समुदाय के लोगों ने गुरु के दर्शन कर अरदास किया और कीर्तन में शामिल होकर प्रकाश पर्व का आनंद लिया। भाई भूपेंद्र सिंह ने गुरुवाणी की प्रस्तुति दी। इसके बाद कमेटी की ओर से लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बारी बारी से हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में सभी धर्मों के श्रद्धालु मौजूद थे। 550वां प्रकाश उत्सव जन्मदिन गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के बड़े हर्ष गुलाब से मनाया जा रहा है। सुबह कीर्तन हुआ, अभी गुरु का लंगर भी चल रहा है। उनका प्रदेश था, सब मिलजुल के रहो, बांट के खाओ, सब मजबूत आपस में लेट करने का उनका आदेश था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व का शुभारंभ हुआ है। आज दिनांक 12/11/19 से श्री अखंड पाठ साहिब जो 48 घंटा तक अनवरत चलता रहेगा उसका शुभारंभ हुआ है। आज के दिन आज रात्रि 8 बजे कीर्तन दरबार रखा गया है गुरुद्वारा परिसर में ही। उसके बाद कल दिनांक 13/11/19 को नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाटवाट स्थित झोपड़पट्टी में सोमवार की देर रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने दंपत्ति की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पति पत्नी को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान अनिल मंडल की 30 वर्षीय पत्नी जूली देवी के रूप में हुई है। वहीं अस्पताल में भर्ती अनिल मंडल की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं हबीबपुर पुलिस पूरे घटना की छानबीन में जुट गई। ये अपने रोड किनारे झोपड़ी बना हुआ है, उसी में लोग दोनों पति पत्नी सोए हुए थे। लगभग 11 से 12 के बीच में अज्ञात लोग, जो पहले चला मालूम, अज्ञात लोग उस घर में घुस करके और हमला करता है और इलाज के लाया गया हॉस्पिटल में। इलाज के क्रम में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और जो पति है अनिल मंडल का इलाज चल रहा है। उनकी शादी दूसरी पत्नी उनकी थी, उन्होंने लिख के दिया कि मेरा जमीनी विवाद बगल में ही कैलाश मंडल से था। उन्होंने लिख के दिया कि कैलाश मंडल और उनके दोनों बेटे ही ये घटना कारित किया है। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने मंगलवार को बाराहाट प्रखंड के खरहरा पंचायत में 1,07,00,000 की राशि से बनने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र तैयार होने के बाद क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान मंत्री ने कई ग्रामीणों की समस्या सुनी और उसके निदान का आश्वासन दिया। इस मौके पर SDO, DCLR, VDO सहित पंचायत के मुखिया एवं ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के MPD रोड स्थित देवी बाबू धर्मशाला में मंगलवार को राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन डांस भागलपुर डांस का मेगा ऑडिशन लिया गया। प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए 300 बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद लोग भी बच्चों के प्रदर्शन से काफी उत्साहित दिखे। मेगा ऑडिशन में जज की भूमिका नेपाल से आए अनीश सिंह ने निभाई। डांस भागलपुर डांस का नेतृत्व कर रही अनीता अनवर ने कहा कि बिहार के बच्चों में काफी प्रतिभा है, सिर्फ उन्हें निखारने की जरूरत है। इसी को लेकर डांस भागलपुर डांस के माध्यम से बच्चों को एक मंच देने का प्रयास किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में प्रतिभागी, परिजन एवं इवेंट मैनेजर मिस्टर रोवो एवं उनकी टीम मौजूद थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर डांस में जज करने वाला हूँ और मैं खुद एक डांसर हूँ। हमें बहुत सारे पता है क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप भी है, ग्रुप भी है, सोलो भी है, तीनों को जज करना बहुत बढ़ा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सिटी भागलपुर। और मैं डांस भागलपुर डांस ऑर्गेनाइजर हूँ और मेरा ही एक कोशिश है भागलपुर के बच्चों को एक सुंदर और अच्छा स्टेज देने का, और मैं चाहती हूँ कि पूरे भागलपुरवासी इस मैं बांका से आई हूँ और मुझे डांस करके बहुत फील अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि यहाँ पे जो डांस का प्लेटफॉर्म है उससे बेटर पूरे बिहार में कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बांका से आई हूँ, मुझे डांस करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लेवल बहुत अच्छा, यहाँ का जितना भी डांस किया गया बहुत अच्छा डांस था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894।
8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया गोपालपुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक अपराधी के पास से 2 देसी बंदूक और 11 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान पोखरिया निवासी श्याम साह उर्फ अवनीश कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि पोखरिया गाँव में किसी वारदात को श्याम साह द्वारा अंजाम दिए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गाँव में छापेमारी की गई। इस दौरान अपराधी श्याम साह पुलिस को देख कर भागने लगा, जिसको पुलिस जवानों ने दबोच लिया। तलाशी के दौरान श्याम साह के घर से 2 देसी बंदूक और 11 कारतूस को बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अपराधी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। थी कि खरिया में श्याम साह नाम के व्यक्ति अवैध रूप से हथियार देसी कट्टा वगैरह रखता है, जिसे सूचना के लोक में रात्रि गश्ती में मैं स्वयं था, तो दल बल के साथ वहाँ पहुँचा, छापेमारी किया, तो एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, 11 गोली और एक मोबाइल जब्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। भागलपुर के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में पीस सेंटर, राष्ट्रीय सेवा दल और लोक चेतना की ओर से मैंने इस्तीफा क्यों दिया विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने अपने इस्तीफे की कहानियों से मौजूद लोगों को रूबरू कराया। कन्नन गोपीनाथ ने कहा कि भारत सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया और वहां के नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रशासनिक पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को फैसला लेने का हक है, लेकिन आम जनता का भी कुछ अधिकार है, लेकिन आज सरकार इसको दबा रही है। इस मौके पर मोहम्मद नदीम, रामशरण, ऐनुल उदय, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो और डॉक्टर इमराना रहमान मौजूद थी। कहलगांव SDPO डॉक्टर रेशु कृष्ण के निर्देश पर मंगलवार को अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार झारखंड की सीमा स्थित महादेव स्थान के समीप सनोखर पुलिस ने झारखंड की ओर से आ रहे वाहनों की सघन तलाशी ली। इस दौरान डिक्की और वाहन के कागजातों की जाँच की गई, साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की क्लास भी लगाई। वहीं बाइक चलाने के समय हेलमेट का प्रयोग करने की हिदायत दी। बांका में FCI मजदूरों को कार्य से हटाए जाने पर मजदूर काफी आक्रोशित है। मंगलवार को मजदूरों ने गोदाम के मुख्य द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वापस काम पर रखने की मांग की। वहीं मजदूरों का आक्रोश देख अधिकारी कार्यालय में ताला बंद कर फरार हो गया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कहा कि गोदाम में खदान लोडिंग का काम बीते 7 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन AGM द्वारा प्रतिदिन रात में खदान को ट्रक पर लोड करने का दबाव बनाया जाता है, जिसका विरोध करने पर सभी पुराने मजदूरों को काम से हटा दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर AGM रितेश कुमार ने बताया कि गोदाम के अंदर मजदूरों के द्वारा गंदगी फैलाई गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कारण था कि उस गोदाम में काम हो रहा था, 2 महीना से गोदाम बंद था, जिसमें से कबूतर चूहा गंदा कर दिया था पूरा गोदाम का, और सर को कहना था कि जांच मेरा जा रहा है जिला से, इसलिए हमको इसको आगे साफ करना है, और एक दिन में हमारा 24-25 लेबर काम कर रहा था, नहीं कर पाया, इसमें भूखा गया, लोग खाना खाने के लिए कुछ लोग भाग गया, कुछ आदमी यहाँ टिका, तो सर को सुबह क्या मौन हो गया कि बोला कि नहीं बाहरी लेबर ला करके हम काम करवाएंगे, और सुबह बाहरी लेबर ला करके बिना हम लोग को पूछे हुए काम लगा दिया और हम लोग को बोला छुट्टी करो। कल ये गोदाम जो है 3 बजे यहाँ बंद हो गया था, और प्राय 4 बजे से 5 बजे तक बीच बंद होता है, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो जाता है, 3 बजे बंद हो जाता है। अगर ऐसा कोई आरोप है तो बिल्कुल निराधार है, आप किसी भी लेबर से पूछ लीजिए। कल लेबर को मैंने जो है डांट फटकार लगाई, क्योंकि ये लेबर जो है मेरे हैं नहीं, SFC के लेबर नहीं है, ये लेबर है ठेकेदार के, मेरे और DSD के। अगर इनकी गाड़ी आगे खड़ी रहती है, बिल्कुल ये लोग गोदाम में स्टैकिंग काजे से लगाते हैं, अनाज इधर उधर फेंका रहता है, अनाज पे थूकते हैं ये लोग, पुड़िया खा खा करके अनाज के बीच में फेंका रहता है। इस तरह की अगर गंभीर बात है तो इस तरह का खराब अनाज क्या किसी डीलर को जा सकता है? नहीं जा सकता, तो इसके लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। अमरपुर के महिला संस्कृत महाविद्यालय स्थित दीपांकर कुंज में 3 दिवसीय मानव संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सीताराम शर्मा, सुजाता वैद्य, नीलांबुश किशोर वर्मा, विकास यादव, विजय कुमार शर्मा और गौतम शर्मा ने संयुक्त रूप से किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सीताराम शर्मा ने कहा कि शिविर का आयोजन महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवं सभी धर्म को एक बताया। इस दौरान शिविर में काफी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। भारतीय संस्कृति हमारे में अगर रहे तो हम गुणवान बन सकते हैं। उस चीज को अपनी संस्कृति के साथ, संस्कृति के विकास के साथ साथ उसका भी मतलब अपने अंदर में रखें कि हम इंग्लिश भी पढ़ें लेकिन संस्कृति को ना भूलें। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हमारे क्षेत्र के लिए एक कहा जाए मील का पत्थर साबित होगा। अगर इसे थोड़ी सी भी विकसित करने की अपेक्षा जो इनकी है, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद इस पर ध्यान दें तो ये निश्चित ही बहुत ही अच्छी बात होगी। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग के सिहुड़ी मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की पहचान धरानी मोहल्ला निवासी विष्णुदेव साह की पत्नी आशा देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर महिला घर के बाहर टहल रही थी, इसी दौरान वह तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गई। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की डुबकी लगाकर लोगों ने किया दीपदान। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा में अखंड पाठ का हुआ शुभारंभ। लंगर में शामिल होकर लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। सोए अवस्था में अपराधियों ने दंपत्ति पर किया हमला। इलाज के दौरान पत्नी की हुई मौत, पति की हालत गंभीर। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने स्वास्थ्य केंद्र की रखी नींव। ग्रामीणों में दिखा उत्साह। और राजस्तरीय डांस भागलपुर डांस के मेगा ऑडिशन में उम्री प्रतिभागियों की भीड़। बच्चों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का दिल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।